Hello students, as I told you yesterday that today we are going to study about Excel. तो आज इसको स्टार्ट करते हैं. दिस इज क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फॉर्मुलेशन एंड फंक्शंस ऑफ एम एस एक्सेल 2020. ये जो 2020 है ये एक्सेल का नाम नहीं है, इसका सॉरी 2010 है. ये इसका 2010th वर्जन है, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन आया था दैट वॉज 2010. ठीक है, मैंने यहाँ पर भी गलत लिख दिया. एम एस एक्सेल 2010 हमें आज इसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, एम एस एक्सेल 2010 है. ठीक, देखो आप. ठीक, स्प्रेडशीट होती है. ये क्या होता है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट होती है. अब स्प्रेडशीट क्या होती है, जो हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं ना और बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट का यूज़ किस किस लिए होता है, कैलकुलेशन के लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है, एनालिसिस के लिए होता है. लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, प्रेजेंटेशन है और एनालिसिस है, बेसिकली किस चीज़ का होता है, ये होता है न्यूमेरिकल डेटा का. मतलब जैसे आपके रिजल्ट, आपका रिजल्ट हो गया, वो भी एक तरीके की स्प्रेडशीट है. आपके सारी चीज़ों को डिक्लेरेशन हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें उसमें मेंशन है. ठीक है, आप लोगों का रिकॉर्ड है जो क्लास वाइज रखा जाता है, वो भी एक्सेल में रखा जाता है, क्योंकि एक स्प्रेडशीट है और सबको ये इस कलेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए रखा जाता है. ठीक है, अब हम जानते हैं कि आपके सिलेबस में है क्या. ठीक, हमें भी पता है कि जो फॉर्मुलेशन और फंक्शन है वो करेक्ट सेल एड्रेस के साथ होना है. मतलब एक्सेल में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी फंक्शन पुट करते हैं, वो सेल पे करते हैं. और सेल को कैसे पता करते हैं कौन सा सेल है, तो हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है. अगर आपने पहले पढ़ा हो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अब हम इसको आगे पढ़ने जा रहे हैं. वॉट इज़ अ सेल एड्रेस. सेल एड्रेस बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का. अब रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए. जैसे एक टेबल बनाई है मैंने, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल, ये होती है रो, और जो ऊपर से नीचे होता है वो होता है कॉलम. तो मैंने इसमें नंबर्स लिखे हैं. ये जो है ये सेल एड्रेस का पार्ट मैंने छोड़ा था, ए बी सी डी, ये मैंने क्या कॉलम के नाम दे दिए, 1 2 3 4 5, ये मैंने किसके नाम दे दिए, रो के नाम दे दिया. अब मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 25. अब इस 25 का जो एड्रेस है, सेल एड्रेस है, वो क्या होगा, देखो कौन सा कॉलम है, सी, कौन सी रो है, 3, तो एड्रेस क्या हो गया, C3. ये जो सेल एड्रेस है ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है. कौन से टाइप्स हैं ये, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, रिलेटिव सेल एड्रेस और मिक्स्ड सेल एड्रेस. रिलेटिव सेल एड्रेस वही सिंपल सेल एड्रेस होता है जैसे C3 लिखा है. एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में सी मतलब जो रो का नेम है या जो कॉलम का नेम है, उनके पहले क्या आ जाता है, एक डॉलर का साइन आ जाता है. और मिक्स्ड सेल एड्रेस में दोनों के बीच में एक कॉलम का साइन आ जाता है. अब ये दोनों होते क्या है, फिलहाल आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ इनके नाम है. आगे चल के आपका एक चैप्टर आएगा, उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ये डॉलर का क्या माजरा है और ये क्यों लगाया जाता है. तब तक आप सिर्फ रिलेटिव सेल एड्रेस को याद रखिए. इस चैप्टर में हम यही सेल एड्रेस पढ़ेंगे और आप इसका फंक्शनिंग और फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे. ठीक है, अगर सेल एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो. आई एम अवेलेबल. थैंक यू.